The very idea of India is under threat like never before. What is the idea of India? What is the foundation? हमें देखना होगा कि देश का स्वधर्म क्या है. धर्म is not religion. देश का स्वधर्म क्या कोई है, हो सकता है? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि है और हो सकता है. मुझे लगता है उसके तीन कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स हैं. डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट. इंडिया डेमोक्रेटाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. मुझे बहुत खुशी है कि आज श्री योगेंद्र यादव ये हमारे साथ सर्च में और निर्माण शिविर में उपस्थित है और हम सबके साथ गप्पे मारने वाले हैं. हम सब लोगों ने योगेंद्र जी को कभी ना कभी सुना है, कभी ना कभी पढ़ा है. व्यापक समाज में कुछ बदलाव लाने की इच्छा निर्माण की पूरी कम्युनिटी में सबको है, इसी के लिए शायद से हम लोग सामने आए हैं. तो ये जो भी कुछ बदल हम करना चाहते हैं उसका कुछ तो टेक्निकल आएगा. किसी को हेल्थ में चाइल्ड मॉर्टेलिटी कम करना है, किसी को कहीं पानी के बारे में वाटर टेबल बढ़ाना है, किसी को कहीं एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन कम करना है, वो तो उसका टेक्निकल एंगल हो गया. पर समाज परिवर्तन की दिशा से हमें क्या सोचना चाहिए, इसका जो भी सामाजिक या राजकीय स्वरूप होगा आज के, नॉट नेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, पर हम सबका क्या विचार होना चाहिए बदलाव के बारे में, इसके बारे में स्पष्टता आना मुझे लगता है बड़ा जरूरी है. और ये पॉइंट थ्री का शिविर उसके लिए तो सबसे अच्छी जगहों में से एक है. इसलिए हमने सोचा कि हमारी एक ही प्रोफेशनल डिसिप्लिन से आगे जाकर जो समाज में समाज कैसा हो उसमें अभी क्या जरूरतें हैं, उसमें क्या पूर्ति की जरूरत है, इसके बारे में हमारे साथ विचार होता है. इसलिए हमने योगेंद्र जी को आमंत्रित किया. वो सर्च के डॉक्टर बाग के तो दोस्त ही हैं, पर इस बार पहली बार हमारे यहाँ पे आए हैं. तो हमने सोचा है कि उनके साथ गप्पों को दो सेशंस में करेंगे. जब मेरी उनके साथ फोन पे चर्चा हुई थी तो ऐसी चर्चा हुई थी कि भारत का और भारत के प्रति हमारा संबंध अभी क्या होना चाहिए, ये हम पहले सेशन में बात करेंगे. और दूसरे सेशन में योगेंद्र जी हमारे साथ बात करना चाहते हैं कि राजनीति एक योगधर्म कैसा है और राजनीति का उनका जो भी मतलब है अंदाजे वो हमारे साथ जरूर डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आई डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम. पहली बार योगेंद्र जी हमारे यहाँ पे आए हैं निर्माण शिविर में, उनका तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट. दो बातों के लिए विशेष धन्यवाद. एक तो एक हिंदुस्तानी स्टाइल है जिसमें कोई भी आता है तो हम कहते हैं कि ये आज इतने फेमस आदमी है जिन्हें परिचय की क्या जरूरत है, और उसके बाद 10 मिनट तक उसका बायोडेटा पढ़ते. तो आपने मुझे और सबको स्पेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए. दूसरा, आपने जो गप्पे शब्द का इस्तेमाल किया उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि मैं दरअसल वही करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ. ये पहली बात, मैं यहाँ क्यों आया. मैं आया एक लालच से आया. जब उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यक्रम क्या है, कैसे होता है, तो मेरे मन में एक लालच है, एक चिंता है, एक प्रस्ताव है. वो लालच मुझे यहाँ लेके आया है कि इतने आप जैसे लोगों की प्रोफाइल कर रहे मैनेज टू सेल यू वेरी वेल, बहुत अच्छी सी आपके बारे में एडवर्टाइजिंग हुई, उसका भी मुझ पर कुछ असर होगा. दुनिया में सबके एडवर्टाइजिंग का असर होता है, मेरे पे भी हुआ थोड़ा. सो वो करके, लेकिन एक चिंता है मेरे मन में, और वो चिंता पिछले कुछ महीनों में, साल दो साल में और तीव्र हुई. और मुझे लगा कि वो प्रस्ताव, उससे जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव, उस चिंता का समाधान कैसे किया जा सकता है. और मुझे लगा कि आप में से शायद कुछ लोग उस प्रस्ताव को रिएक्ट करेंगे. आज नहीं तो कल नहीं तो कभी बाद में. तो ये लालच मुझे यहाँ दे दिया है. और इसलिए चुनाव के साल में, जबकि
ऐसा आप अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब भी मैं अपना समय वेस्ट कर रहा हूं। चिंता क्या है? चिंता ये है कि पिछले काफी समय से हमारा देश जिस दिशा में जाना चाहिए उससे हम कुछ दूर जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से चिंता ये है कि एक तरह से जो भारत के गणतंत्र का जो ढांचा उसको जैसे हम उखाड़ने पर तुले हुए हैं। 70 साल की हमारी जो उपलब्धि है उसे आगे ले जाने की बजाय हम कई मायनों में उसको बुनियादी रूप से उखाड़ रहे, तोड़ रहे। और डर ये है कि अगर ये, क्योंकि जो कर रहे हैं ये काम, उन्हें ये नहीं पता कि वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जो डाल के ऊपर बैठा हुआ उस डाली को काट रहा होगा, वो ये सोच के नहीं काटता कि मैं इसे काटूंगा, नीचे गिरूंगा, कितना मजा आएगा, है ना। वो सोच रहा होता है कि मैं काट रहा हूं इस लकड़ी का, मैं ये करूंगा, उसका वो करूंगा इत्यादि। लेकिन कोई बाहर से खड़ा हुआ देख सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो उस डाली को काट रहे हो, अभी तुम धड़ाम से नीचे गिरोगे। तो जो लोग इसे डिसमेंटल कर रहे हैं उन्हें ये पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर से देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। और इसे समय रहते कैसे रोका जाए और कैसे हम एक स्थिति बनाए जिससे बार बार हम इस परिस्थिति में ना लौटे, जहां हमारी बिल्कुल बुनियाद को ही, हमारी फाउंडेशंस को ही खतरा हो। सो माय स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस प्रपोजिशन दैट द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज अंडर चैलेंज, अंडर थ्रेट, दैट इट नीड्स टू बी सेव्ड। द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया इज अंडर threat like never before, and this is a major challenge. Magar iska matlab hai ki hame batao ki what is the idea of India, what is the foundation. Aap keh rahe hain jadoo khadi ja rahi hai, dusre log keh rahe hain nahi jab to majboot ho rahi hai, to hum kaise kare, what is that foundation jis pe hamara desh khada hai. इस विचार को मैं कहता हूं भारत का स्वधर्म। हमें देखना होगा कि देश का स्वधर्म क्या है। एक बार हम समझेंगे स्वधर्म क्या है, फिर हम कह सकते हैं कि अच्छा, हम स्वधर्म की दिशा में जा रहे हैं या कि उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। सो व्हाट इज दैट आइडिया ऑफ इंडिया, इस स्वधर्म। स्वधर्म नाम सुनते ही हमारे मन में कुछ एक आजकल होता है ना, धर्म सुनते ही हमारे मन में रट्टी बन जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख चर्च मंदिर मस्जिद वहीं बनाएंगे वहां नहीं बनाएंगे इत्यादि, ये सब हमारे मन में हो। धर्म इज नॉट रिलीजन। पहली बात, हमारी संस्कृति में जो शब्द धर्म आता है, धर्म क्या है? मैं कहूंगा ये जो डॉक्टर अभय बंग यहां कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इस जिले के लोगों से पूछा जाए तो कहेंगे बड़ा धर्म का काम कर रहा है। आप सड़क पे चल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति पड़ा है और आप उठ के चल दे वहां पे बिना उसको देखते हुए, तो कोई आपको रोकेगा या? तेरा धर्म नहीं कहता कि तुम इसको उठाओ, सड़क पे पड़ा है यार, इसको कम से कम अस्पताल तक तो पहुंचा दो। ये धर्म है। आजकल इसका इस्तेमाल रिलेटिवली कम होने लगा है, लेकिन अगर हमारे आप पूरी परंपरा उसमें देखें तो धर्म का ये मतलब है। और केवल मैं एटाइमोलॉजी और ओरिजिन और वो सब नहीं कह रहा, डीप संस्कृत के टेक्स्ट में ये है वो नहीं, साधारण भाषा में भाई धर्म का काम है, अरे इतना तो कर दो। ये जो इस धर्म का जिसे इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन कहते हैं उससे कोई मतलब नहीं। तो धर्म उस सेंस में जहां एथिक्स है, ड्यूटी है, सिर्फ इंटरपर्सनल मोरालिटी भी है, और एक डीपर एथिक्स का सवाल, क्या उचित, क्या करने लायक है। धर्म एक दूसरे अर्थ में भी इस्तेमाल होता है, वो ये है कि किसका क्या स्वभाव है, क्या प्रवृत्ति है। जैसे कहते हैं पानी का धर्म है बहना,
आंख का धर्म है देखना, सांप का धर्म है काटना, है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। बेचारा और भी ज्यादा काम करता होगा, ज्यादातर समय काटने के अलावा बाकी बहुत कुछ करता होगा, लेकिन सिर्फ समझ नहीं। तो ये एक प्रवृत्ति है और एक आइडियल, स्वधर्म, मेरे बनावट में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, द वे आई एम सपोज टू डू ए फ्यू थिंग्स विच आर बिल्ट इन टू द वेरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हू आई एम। अब आप कहोगे कि ये स्वधर्म ठीक है, इंसान का हो सकता है स्वधर्म, समझ आ गया, जानवर का हो सकता है, समझ आ गया, ये देश का क्या स्वधर्म हो सकता है? देश तो क्या है, कागज का टुकड़ा है, एक ड्राइंग है, एक आपने बाउंड्री ड्रॉ कर दी, उसके अंदर रहने वाले लोगों को आपने देश कहना शुरू कर दिया, लेकिन दरअसल देश वो है नहीं, देश उससे कुछ ज्यादा है। हम आजकल राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो रिलेटिवली मॉडर्न रिसेंट यूसेज है। देश हमारे पुराना शब्द है, देश कई मायनों में इस्तेमाल होता है। जब उत्तर प्रदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति दिल्ली में जो रिक्शा चला रहा है, वो 5 दिन ना दिखाई दे, 10 दिन ना दिखाई दे, आपसे उससे पूछिए कहाँ गए थे भैया, वो कहता देश गए। देश मतलब अपना भोजपुर गया होगा, बलिया गया होगा, कहीं गया होगा, तो देश। तो राष्ट्र रिलेटिवली रिसेंट शब्द है जिसका हमने यूरोप की उससे काफी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन ये हमारा देश का स्वधर्म क्या कोई है, हो सकता है? मैं सुझाव देना चाहता हूं कि है और हो सकता है। ये दुनिया में कुछ देश हैं जो बिल्कुल संयोग है, ऐतिहासिक संयोग है, उससे फालतू कुछ नहीं है, उन्हें अपने लिए स्वधर्म आविष्कार करना पड़ा है, लेकिन भारत ऐसा संयोग नहीं। और भारत का बनना ऐसा नहीं कि अचानक किसी दिन किसी का मन आया और उसने बाउंड्री ड्रॉ कर दी, चलो तुम लोग ऐसे रहोगे। ऐसी भी कई बाउंड्रीज होती हैं, जैसे जिसे हम मध्य प्रदेश आजकल बोलते हैं, ये ऐसी आर्टिफिशियल बाउंड्री है जो महाराष्ट्र में फिट नहीं हो रहा था, जो राजस्थान में फिट नहीं होता था, इन सबको मिला के एक अजीब सी बाउंड्री बना दी और कहा इसका नाम मध्य प्रदेश, चलो कल से ये होगा। मगर भारत तो वैसा नहीं, जो फाइनल बाउंड्री बनी वो थोड़ी सी आर्टिफिशियल थी, पंजाब के कौन से हिस्से बाहर हो गए, बंगाल के कौन से हिस्से बाहर हो गए, लेकिन इसके पीछे एक विचार, इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, इसके पीछे एक इतिहास है। उस भारत का एक स्वधर्म है जो आज भारत राष्ट्र है, इंडिया एज ए नेशन स्टेट, उसका देयर इज एन आइडिया विच हैज शेप्ड इट। और वो आइडिया कहां से आता है? वो आइडिया हमारे 150 साल के स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष से आता है। कल रात डॉक्टर बॉम से बात हो रही थी भारत के संविधान के बारे में, कि संविधान कोई एक्सीडेंट नहीं, ऐसा नहीं कि अचानक कुछ लोग बैठे, उनका मन किया, उन्होंने एक संविधान लिख दिया, उन लोगों की इच्छा के अनुरोध। ये जितने भी विचार हैं ये हमारे 100 कम से कम उससे पिछले 100 साल के संघर्ष में तय हुए। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द आइडिया दैट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडिया, देयर इज अ क्लियर आइडिया एंड दैट आइडिया नीड्स टू बी रिकवर्ड। और जब मैं इंडिया भारत का इस्तेमाल कर रहा हूं तो अभी मैं 5000 साल के भारत की बात नहीं कर रहा, वो भी है, उस पर भी लिखना चाहिए, उस पर भी सोचना चाहिए, लेकिन शायद मेरी कॉम्पिटेंस नहीं है उसके बारे में बोलने की, और शायद आज जो मेरी चिंता है उसका उससे संबंध कम है। सो मैं इंटरेस्टेड हूं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जिसका पासपोर्ट लेके हम घूमते हैं, 26 जनवरी 1950 को जो इंडिया बना उसका स्वधर्म क्या है। मेरा सुझाव, प्रस्ताव, बहुत सोचा मैंने इस प्रश्न, मुझे लगता है उसके 3 कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स हैं, वो वैसे ही बता देता हूं, आपको याद रह जाएंगे, तो उसमें भी लिखने की लायक बात नहीं है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेवलपमेंट, 3 डीज, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी,
डेवलपमेंट। ये तीन सिद्धांत है, तीन पिलर्स है, तीन कॉन्स्टिट्यूटिव प्रिंसिपल्स है जो आइडिया ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब आप सोचेंगे तो आपको पहले लगेगा ना इसमें क्या, मैंने तो सोचा था कुछ बहुत गहरी भारतीय परंपरा की बात निकलेगी, ये क्या हुआ, ये तो तीनों ही वेस्टर्न चीज है। डेमोक्रेसी, व्हाट इज इंडियन अबाउट डेमोक्रेसी, तो ग्रीस में पैदा हुई थी, अंग्रेजों ने हमें सिखाई थी, फिर हमारे पास आई थी, व्हाट इज इंडियन अबाउट डेमोक्रेसी। देयर इज समथिंग वेरी डीपली इंडियन अबाउट डेमोक्रेसी, और वो मैं आपको लिच्छवी गणतंत्र में नहीं लेके जा रहा, ये हम सब अपने लिए कुछ कॉइन करते रहते हैं। There is something deeply Indian about democracy that we have. What is it? वो ये, इसमें कोई शक, वैसे यूरोप की डेमोक्रेसी कोई एथेंस से आती नहीं है, वो ट्रेस करना चाहते हैं, एसेंशियली पिछले 300-400 साल का प्रोडक्ट है। जैसे हम अपनी डेमोक्रेसी को लिच्छवी गणतंत्र तक ले जा सकते हैं, दरअसल कोई संबंध है नहीं उसका और इसका, वो सिर्फ एक रिकॉल करके अपने लिए हम एक हेरिटेज इन्वेंट कर रहे हैं, वैसा मामला है। यूरोप भी ऐसा ही करता है, ग्रीक हेरिटेज से कोई लंबा चौड़ा रिश्ता है नहीं, यूरोप हैज इन्वेंटेड अ ग्रीक हेरिटेज फॉर इटसेल्फ व्हिच दे हैव नथिंग टू डू विद, एनीवे फॉरगेट अबाउट इट। हमारे तो हमारे पास लोकतंत्र का विचार पश्चिम से आया, इसमें कोई शक ही नहीं, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू फील ऑकवर्ड और एम्बैरेस्ड अबाउट इट। लेकिन भारत में आने से पहले दुनिया में किसी को विश्वास नहीं था कि लोकतंत्र एक गरीब और अनपढ़ समाज में आ सकता है। डेमोक्रेसी वॉज बेसिकली लिटिल प्लेस फॉर रिलेटिवली बेटर ऑफ सोसाइटीज, जो दुनिया के अमीर देश थे उनका खिलौना था, और ये यूरोप वगैरह ने कोई आज से 200-300 साल पहले सब लोगों को वोट नहीं दिया था। यू नो व्हेन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक्चुअली केम टू यूएस, अमेरिका में, जैसे आज भारत में ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर व्यक्ति को पूछा नहीं जाता तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो, औरत हो आदमी हो, सबको मिलता है वोट। अमरीका में कब मिला था वो वोट, 1957 की भी बात है, मिड 60s में जाके अमेरिका में एक्चुअली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आया। ये बेस्ट हमें अपने बारे में स्टोरीज जो बताता है और उनकी रियलिटी उसमें फर्क है। सो यूएस गॉट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आफ्टर अस, तो मैं ख्याल इतना ही बता, क्योंकि वहां ब्लैक्स के लिए नहीं, बहुत प्रोविंसेस के अंदर ब्लैक्स के लिए नहीं थी एडल्ट फ्रेंचाइज। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि यूरोप ने ये जो डेमोक्रेसी है इसको बहुत छोटी छोटी डोजेस में रिलीज किया, और एसेंशियली डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट अमीर देशों के, अमीर समाज के, पढ़े लिखे एलीट के लिए छोटा सा खेल था, एंड नो वन बिलीव्ड कि ये पूरे दुनिया पे लागू हो सकता है। इसलिए जब भारत में पहला चुनाव हुआ तो लोग, आप उस जमाने के अखबार पढ़िए, उस जमाने के कार्टून्स देखिए, लोग सब हंसते थे कि क्या पागल बना आया है नेहरू के दिमाग में, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चलेगा थोड़ी, जिस देश में इतनी गरीबी है, जहां इतनी अनपढ़ है, 70% लोग अनपढ़ थे, वहां डेमोक्रेसी चल थोड़ी सकती है। इट इज ओनली आफ्टर डेमोक्रेटिक इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया एंड कंटिन्यूड फॉर 2 or 3 times that the rest of the world believed that democracy was indeed possible in the rest of the world. India democratized the idea of democracy. This is absolutely historically correct. उसके बाद बाकी दुनिया को भरोसा हुआ कि ये हो सकता। So there is something India has contributed in a unique way to democracy. हमारे डेमोक्रेसी का विचार वो नहीं है जो कि बेस्ट की डेमोक्रेसी में, हालांकि भाषा हम वही प्रयोग करते हैं। हमारी डेमोक्रेसी में कई मायनों में सहयोग का जो विचार है, एक साथ मिलके निर्णय लेना, और जो भी राज कर रहा है
वो एक हद से ज्यादा अहंकार, एक हद से ज्यादा तानाशाही का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सब विचार हमारी डेमोक्रेसी में भी, लेकिन मैं इसके विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा। हमारी डेमोक्रेसी का आइडिया कैसे थोड़ा सा देखें। दूसरा आइडिया डाइवर्सिटी। हम इंडियंस वैसे मानते हैं कि वी आर द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेट्रा, लेकिन एक्चुअली ये बात सही है। जैसे हम कहते हैं वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, व्हाट डज इट मीन? अगर हम कहते हैं वी आर द मोस्ट ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो कुछ मतलब होता है उसका। We are the most participatory democracy in the world, तो मतलब होता। We are the most honest democracy in the world, तो मतलब होता। Largest का मतलब क्या? हमारी population बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा population सिर्फ चीन की, और वो democracy नहीं। That's all it means. So ये जो we are the most diverse country, that is actually, you see, diversity is written into nature. Diverse ना होना एक एफर्ट होता है, डाइवर्स होना एक स्वाभाविक स्थिति है। वो प्रकृति में है, इंसानों में है, समाज में है, लैंग्वेजेस में है, कल्चर्स में है, प्रैक्टिसेस में है, सब में डाइवर्सिटी इज द मोस्ट नॉर्मल थिंग। सो व्हाट इज इंडियाज यूनिक अचीवमेंट अबाउट डाइवर्सिटी? ऑब्वियसली ये तो कोई हमारी अचीवमेंट नहीं है कि हम डाइवर्स हैं। डाइवर्स होना इज ए रियलिटी। There is nothing, even if we were more diverse, what is so great about it? Nothing. इस कमरे में आप लोगों ने अलग अलग कपड़े अगर पहने हुए हैं तो that be a great achievement? By itself, not. पर अगर दुनिया में कानून होता कि सब लोग एक कपड़े पहनेंगे और उसको defy करते हुए आप अलग कपड़े पहन के आते, तो that would have been a statement. तो भारत diverse है, ये अपने आप में कोई अचीवमेंट नहीं। मगर एक दूसरी चीज है डाइवर्सिटी से जुड़ी, तो बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई ऑलमोस्ट फील लाइक सेइंग दैट इंडिया कैन एंड शुड बी ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। वो कैसे? वो ऐसे कि पूरी दुनिया ने मानना शुरू किया, डाइवर्सिटी दुनिया में थी। अगर आप आज भी यूरोप को ध्यान से देखें, आज यूरोप ने अपने ऊपर एक, जैसे होता है कोई इस दीवार पे अलग अलग तरह की चीजें लिखी हो, उसके बाद उसके ऊपर आके व्हाइट वाली पेंट करते हैं, कली कली, आप उसके अंदर से फिर भी देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक अलग पेंटिंग थी, यहाँ एक डिफरेंट कलर था। आज भी यूरोप को, अमेरिका में तो बहुत कम, क्योंकि अमेरिका बहुत ही अजीब तरह की सिविलाइजेशन है, लेकिन यूरोप जो कि थोड़ा डीपर सिविलाइजेशन, अमेरिका हैज वेरी शैलो सिविलाइजेशन, दैट इज अ फैक्ट। मतलब इस पे हंसने की भी कोई बात नहीं, इट्स अ स्ट्रेट प्लेन फैक्ट। They have very little history, they have very little civilization. Europe has a deep civilization. कुछ भी है, 500-600 साल की है, पर at least है तो। तो Europe में आप भी आप देखिए, आपको उस white coating के नीचे अलग अलग shades मिलते हैं। वहाँ diversity है। और अगर आप देखिए तो पूरे Europe की population तो India से कम है। The whole of Europe put together is smaller than India. तो अगर आप पूरे यूरोप में देखें तो आपको आज भी उतनी डाइवर्सिटी मिलती है। हमें ये तुलना नहीं करनी चाहिए कि इंग्लैंड में डाइवर्सिटी है या नहीं है। दैट्स लाइक आस्किंग पंजाब में डाइवर्सिटी है या नहीं है ना। पंजाब में भी कुछ है, इस इंग्लैंड में है थोड़ी बहुत। सो वी शुड नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स विद वन ऑफ दीज कंट्रीज, दे आर टाइनी। वी शुड कंपेयर से द होल ऑफ यूरोप पुट टुगेदर, डज इट हैव डाइवर्सिटी? ऑफ कोर्स इट हैज, स्टिल हैज रिटेन्ड सम। तो डाइवर्स होना अचीवमेंट नहीं, अचीवमेंट ये है कि उस डाइवर्सिटी को मॉडर्न नेशन स्टेट में बना के बचा के एक प्रिंसिपल की तरह रखना एक अचीवमेंट। और वो क्यों? ये जो नेशन स्टेट का विचार है ये यूरोप से आया, हमारे यहां तो नहीं था। नेशन स्टेट एक बाउंड्रीज होंगी, नेशन राष्ट्र राज्य जिसको आज हम राष्ट्र कहते हैं, ये विचार यूरोप से आया। आपको हैरानी होगी कि इतनी चीजों को हम भारतीय कई बार कहते हैं, और ये मेरा भारत महान, और ये सब चीजें इतनी स्ट्रेट यूरोप से ली हुई नकल है सारी चीजें। मैं दो मिनट में बताता हूँ, सब फैक्चुअल चीजें हैं, कोई मतलब इसमें कोई एलिगेशन या सब नहीं। यूरोप में जब राष्ट्र राज्य बने 300-400 साल पहले, नेशन स्टेट यूरोप में बने, यूरोप में भारत जैसा था, हमारे यहां कहते हैं हिंदी में हर
दो कोस पे पानी बदलता है और 20 कोस पे भाषा बदल गया। यूरोप में भी ऐसा शेड्स थे जिसे आज हम इटालियन और जर्मन कहते हैं, ये दो अलग भाषाएं नहीं थी, शेड्स थे। जैसे मराठी से गुजराती की तरफ आप बढ़ते हैं, मराठी से हिंदी की तरफ आते हैं, ये शेड्स हैं। ये कोई शार्प, जिस आज हम कहते हैं मराठी खत्म हो गई, मगर आज यहाँ बैठ के तो हम कह सकते हैं ना कि न मराठी है न हिंदी है, इसके अलावा कुछ और है। लैंग्वेजेस के शेड्स होते हैं, यूरोप में ये शेड्स थे। लेकिन इन लोगों ने नेशन स्टेट बनाने शुरू किए, नेशन स्टेट बनाने शुरू किए। तो वो आपने पढ़ा होगा ना स्कूल में बिस्मार्क, मेजिनी और ये सब पढ़े होंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये उस शेड्स में से शार्प कलर डिस्टिंक्शन कर रहे थे। जैसे होता है आपका कलर्स का आपको शेड मिलता है, आप रेड से शुरू हुए येलो की तरफ जाना शुरू हुए, किसी स्टेज पे आप जाके कहते हैं चलो इसको हम ऑरेंज कह देते हैं, यहां पे हम ऑरेंज की बाउंड्री खत्म कर देंगे और यहां से येलो शुरू हो जाएगा। दिस आर आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन, ऐसा कुछ नहीं, नेचर में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ऑरेंज है रेड है एक्सेट्रा, हम कर रहे हैं डिस्टिंक्शन। और फिर मान लीजिए इसकी टीम्स बनानी हुई, तो टीम बनाने में क्या करेंगे कि जब इतने परसेंट येलो हुआ तो हम उसको येलो कहना शुरू कर देंगे पूरी तरह से येलो। और फिर उसके बाद हम कहेंगे एक तो वहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम बताना शुरू करेंगे नहीं जो उधर जो ऑरेंज वाले हैं ना ये बड़े बेकार लोग हैं, डिफरेंस सिर्फ 1% है दोनों में। सो हम कहेंगे येलो बिल्कुल बेकार है, वो कहेंगे ऑरेंज बेकार है, फिर हम रेड बनाना शुरू करेंगे, ये सब चीजें करेंगे। This is exactly how nation states were created in Europe. Europe में ये जो फ्रांस को फ्रेंच बनाना, ऐसा नहीं था कि ये सब फ्रांस के लोग थे सिर्फ फ्रेंच बोलते थे, इन्हें डंडे मार मार के फ्रेंच बनाया गया है। This is absolute history. बिल्कुल स्टेट के उससे डंडे लगा के उनको फ्रेंच सिखाया गया कि फ्रेंच ऐसे बोलनी चाहिए, ऐसे पेरिस के एक्सेंट में बोलनी चाहिए, वैसे नहीं बोल सकते। फला टाइम पे जैसे आज हम बैठे हैं 10 से 11 के सेशन में, एक जमाने में फ्रांस में क्लास लगती थी पूरे देश के हर स्कूल के अंदर फ्रेंच इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई जाएगी, इस एक्सेंट में बोलना सिखाया जाएगा। तो डंडे मार मार के लोगों को फ्रेंच बनाया, वहां पड़ोस में इसी तरह से डंडे मार मार के जर्मन बनाया जा रहा। सो द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज ए हिस्ट्री ऑफ रिड्यूसिंग देयर डाइवर्सिटी इनटू द बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट। तो वो जो शेड्स थे ना कलर के, कलर पैलेट की जो शेड्स होते हैं, शेड्स को 5 या 10 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया गया। जो ऑरेंज वाले बॉक्स में आया उसको कहा नहीं तुम येलो ज्यादा हो, येलो कम करो और अपना येलो कम करो, तुम ऑरेंज हो तुम्हें ऑरेंज रहना चाहिए, तुम ज्यादा रेड हो तुम थोड़ा कम रेड करो, ऑरेंज हो, इस तरह से बने। यू नो समवन सेड समथिंग ब्यूटीफुल अबाउट लैंग्वेजेस, किसी से पूछा कि लैंग्वेज क्या है, डायलेक्ट क्या है। हमारे यहाँ गढ़चिरौली में जो लोग बोलते हैं उसे क्या कहा जाएगा, डायलेक्ट। मराठी की डायलेक्ट है कि हिंदी की पता नहीं क्या ऑफिशियली बोला जाएगा, इसको डायलेक्ट बोला जाएगा। सो मैंने किसी लैंग्वेज से पूछा कि सर ये डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या अंतर होता है, इज इट अ वेरी मेजर डिफरेंस। क्या उन्होंने कहा डायलेक्ट इज ए लैंग्वेज, ही सेड लैंग्वेज इज ए डायलेक्ट व्हिच हैज ए स्टेट एंड एन आर्मी, दैट इज अ डिफरेंस। जिस दिन आपके पास फौज हो जाएगी उस दिन आपकी डायलेक्ट को लैंग्वेज कह दिया जाएगा, उससे पहले वो डायलेक्ट। आपको स्टेट चाहिए और आर्मी चाहिए, इन दोनों चीजों से आपकी डायलेक्ट एकदम लैंग्वेज बन जाएगी। तुलू अभी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जिस दिन एक स्टेट बन गया वहां पे वो लैंग्वेज बन जाएगी। एनी सो यूरोप की जो पूरी हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है कि उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को कम किया और डाइवर्सिटी को घटा के उन्होंने कुछ बाउंड्रीज बनाए। सो नेशन, सो द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज ए हिस्ट्री ऑफ इट्स एम्बैरेसमेंट विद डाइवर्सिटी, अपनी डाइवर्सिटी को छुपाने की और उस डाइवर्सिटी को स्मूदन करने की। तो अगर आप और मैं अलग हैं तो क्या करेंगे, घर में कहते हैं ना भी अपना चौका अलग अलग कर लो। अगर तो यूरोप का कॉन्सेप्ट क्या था नेशन स्टेट का, नेशन स्टेट में वन नेशन वन कल्चर वन लैंग्वेज वन रेस, अगर एक से ज्यादा रेस है तो भाई या तो मैं तुम्हें भगाऊंगा या तुम मुझे भगाओ, एक छत के नीचे हम नहीं रह सकते। अलग लैंग्वेज है,
मेरी लैंग्वेज ऑफिशियल है, तुम्हारी लैंग्वेज बेकार है, या तो तुम पड़ोस वाले घर में चले जाओ, नहीं तो तुम मेरी लैंग्वेज सीख लो। पर लैंग्वेज एक ही चलेगी, एक देश एक भाषा, एक देश एक संस्कृति, एक भाषा एक भूषा, एक नस्ल एक धर्म, धर्म अब रिलीजन वाली सेंस, ये बिल्कुल शुद्ध यूरोपियन विचार, इसका भारत से कोई संबंध नहीं। भारत में एग्जैक्टली इसका दूसरा विचार था। इसलिए जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने भारत को क्या कहना शुरू किया, अरे तुम लोग एक नेशन कैसे हो सकते हो, कहां तमिल कहां बंगाली और कहां ये पंजाबी, तुम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, तुम कहते हो तुम हिंदू हो, तुम्हारे तो व्यवहार, तुम्हारे त्योहार अलग हैं, तुम्हारा व्यवहार अलग है, तुम्हारे देवी देवता अलग हैं, तुम्हारी भाषा अलग है, तुम्हारा खाना अलग है, तुम्हारा सब कुछ अलग है, तुम एक देश कैसे बन सकते हो। सो बेसिकली यूरोपियन कॉलोनियलिज्म चैलेंज्ड आवर सेंस ऑफ नेशन, दे सेड यू कैन नॉट बी अ नेशन। इसके दो जवाब हो सकते, एक जवाब थोड़ा घबराया हुआ जवाब हो सकता था, एक जवाब कॉन्फिडेंट जवाब हो सकता था। घबराया हुआ जवाब क्या था कि हाँ नहीं है लेकिन हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे, आप चिंता ना करो, ठीक है प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, प्रॉब्लम है हमारी, लेकिन हम इस डाइवर्सिटी को ठीक कर लें, जैसे आपने ठीक किया, आपने फ्रांस में जर्मनी में अपनी डाइवर्सिटी को ठीक कर लिया ना, वैसे हम भी करेंगे, हमें टाइम दो। वैसे भी हमारे यहाँ देखिए हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, राष्ट्रभाषा तो हिंदी है ही, हिंदू हैं हम ज्यादातर, और हम हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये फॉर्मूला जो आता है ये घबराए हुए भारतीय का फॉर्मूला है, जो यूरोप से इतना घबरा गया है, यूरोप आया, क्रिश्चियनिटी आई, कॉलोनियलिज्म आया, हिंदुस्तानी घबरा क्या करें, और घबरा के आपका पहला रिएक्शन जो होता है आप अपने ओपोनेंट को इमिटेट करना शुरू कर दें, आप उसी की भाषा में बोलना शुरू कर दें। इस पे बहुत सुंदर किताब है, कभी आपको समय मिले तो पढ़ना, आप वो जरूर नोट कर लीजिए, किताब का नाम है इंटीमेट एनिमी और उसके लेखक है आशीष नंदी, इंटीमेट एनिमी है, कभी टाइम मिले, छोटी सी 125 पेज की किताब है, डू रीड दैट एट सम पॉइंट। एसेंशियली वो आशीष नंदी कहते हैं कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का हमसे असर ये हुआ कि जिसे हम एनिमी मानते थे, यूरोपियन कॉलोनाइजर, उस एनिमी को हम इमिटेट करना शुरू कर रहे हैं, इसे इंटीमेट एनिमी, और भारत में बहुत लोग यूरोप की नकल करना शुरू कर, और यूरोप की नकल करने का पहला फॉर्म ये था कि अच्छा उन्होंने पूछा तुम्हारा कैसा धर्म है, तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता, तुम्हारा क्राइस्ट कौन है बताओ, और तुम्हारी बाइबल कहाँ है दिखाओ, तो फिर हमने कहना शुरू किया हमारे वेद, हमारे पास वेद है, हमारे शंकराचार्य, ये सब क्या है कि एसेंशियली हिंदू धर्म को क्रिश्चियन मोल्ड में डालने की कोशिश है ना, ये घबराए हुए रिएक्शन, वी ट्राई टू इमिटेट द अदर्स, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग सो मच ऑफ द टाइम। तो भारत का पहला रिएक्शन ये था कि हम भी नेशन आप जैसे बन जाएंगे, कैसे बनेंगे, हिंदी लैंग्वेज हो नेशनल लैंग्वेज, हिंदू रिलीजन है हमारे पास, और हम इसमें बाकी सबको ढालें, और ये बाकी जो है सब एलियन इन्फ्लुएंसेस हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम सब एलियन है, इसको हम ठीक ठाक कर लेंगे, जैसे आपने अपने यहाँ ठीक ठाक किया ना, उन्होंने कैसे ठीक ठाक किया था, मार मार के, डंडा मार के, बंदूक से गोली से उन्होंने सबको निकाला था, डाइवर्सिटी को खत्म किया। सो हमारे यहाँ मिडिल 19th century में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है जिसमें यह है कि हम अपनी डाइवर्सिटी को कम करें, डाइवर्सिटी इज एन एम्बैरेसमेंट, कम करें इसे किसी तरह से, राष्ट्रीय एकता, और एकता कैसे होगी जब डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी तब एकता बनेगी। ये जैसे मैंने कहा शुरू का घबराहट का रिएक्शन है, ये लोग अपने आप को राष्ट्रीय कहते थे, लेकिन आप देख रहे हैं वो राष्ट्रीय से ज्यादा यूरोपियन है, सारी जर्मनी की नगर है ये सब, और इन्हें इनमें बड़े लोगों किताब किताब भी आप पढ़ लीजिए, सब किताब में कहते हैं हमें जर्मनी जैसा होना है, जर्मनी में तो ऐसा होता है, हमें वैसा बनना है, सब लिखते हैं, क्योंकि घबराए हैं जर्मनी इतना, मतलब यूरोप से घबराए हुए लोग हैं,
उसके बाद दूसरा रिएक्शन आता है जो कॉन्फिडेंट रिएक्शन है, वो मैं देखता हूं टैगोर में और गांधी में। टैगोर कहते हैं, टैगोर मतलब रियली एडमायर अबाउट टैगोर इज कि टैगोर पूरी दुनिया को देख रहे हैं, दुनिया से सीख रहे हैं, एंड नॉट फॉर ए मोमेंट डज ही फील दैट आई कम फ्रॉम ए स्मॉलर सिविलाइजेशन। ही इज सो सुप्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट। और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहली निशानी होती है कि आप दूसरे से कह सकते हैं कि मैं आपसे कुछ सीख सकता हूं, इट्स ओनली कॉन्फिडेंट पर्सन दैट कैन लर्न फ्रॉम समवन एल्स। जो घबराया हुआ है वो दूसरे को कहता है नहीं नहीं मैं अच्छा हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं, तुम्हारे पास क्या है नहीं है, इसका मतलब बहुत घबराया हुआ। इट टेक्स इनॉर्मस कल्चरल कॉन्फिडेंस टू बी एबल टू से आई नीड टू लर्न फ्रॉम यू। और टैगोर कहते हैं वी नीड टू लर्न मोर फ्रॉम जापान एंड चाइना देन फ्रॉम यूरोप। वो आराम से देख रहे हैं, बिल्कुल सप्ताह को साइड में करके आराम से देखते हैं, इससे ये सीखना है, उससे ये सीखना। एंड महात्मा गांधी, गांधी जी से जब पूछा गया, आपको बहुत फेमस कोट है, यू नो व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, एंड ही सेज दैट वुड बी ए गुड आइडिया। मतलब क्या कि जब सिविलाइज्ड होंगे तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं। जैसे मैं अमेरिका के बारे में कह रहा था तो गांधी जी कहते हैं मतलब इतनी मॉडर्न सिविलाइजेशन का आतंक है, और उसके सामने गांधी जी से क्या होता है, आपके सामने हेडलाइंस है, हेडलाइट आने पे पहला हमारा क्या रिएक्शन होता है, आंख बंद हो जाती है, इतनी हेडलाइंस है उसका शुरू। उस हेडलाइट के सामने आप अपनी आंख खुली रख सके और हेडलाइट के पीछे जो ड्राइवर बैठा है उसकी तरफ देख के कहें लेकिन इसे तो गाड़ी चलानी नहीं आती। गांधी में ये हिम्मत है, वो उस हेडलाइट में अपनी आंख खोल के रख रहे हैं और कह रहे हैं ड्राइवर कौन है, बच्चा सा, इसके पास लाइसेंस है क्या, इसे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, सारी दुनिया का लाइसेंस इसको कैसे दे रहे हो, मुझे अपनी चिंता नहीं है कि मेरे को मार देगा, मुझे इस बेचारे की चिंता है, इसे गाड़ी चलानी नहीं आती, इसकी गाड़ी को बचाओ, और इसकी गाड़ी में जो पांच इसके देश के लोग बैठे हैं वो भी इनको भी लेके डूबेगा। गांधी में ये दीज आर सुप्रीमली कॉन्फिडेंट रिएक्शन। तो हमारा नेशनलिज्म एक कदम ऊपर बढ़ता है और कहता है हमें यूरोप जैसा होने की कोई जरूरत नहीं, और उनसे पूछता है कि यूरोप वाले पूछते हैं कि तुम्हारी एक भाषा क्या है, टैगोर और गांधी कहते हैं हमें एक भाषा की जरूरत क्या है, किसने कहा कि जरूरत है हमें इसकी, हमारा राष्ट्रगान क्या कहता है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल। दुनिया का अगर यूरोप का कोई देश होता वो इस बात को छुपाते, पंजाब सिंध गुजरात मराठा बाबा इतनी प्रॉब्लम है तुम क्यों सारी दुनिया के सामने ला रहे हो, हमारा राष्ट्रगान कहता है हम इसको फोरग्राउंड करते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ। सो हम अपनी इन चीजों को छुपाना बंद करते हैं, हम कहते हैं हमें तुम जैसा होने की क्या जरूरत है, तुमने बीमारी पा ली है मैं तुम्हारी बीमारी को क्यों लूं, तुम्हारी अच्छाई कुछ है मैं जरूर ले लूंगा लेकिन तुम्हारी बीमारियां पालना मेरा काम नहीं है, अपनी बीमारी अपने घर रखो। ये दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मैच्योर इंडियन नेशनलिज्म। तो वो मैच्योर इंडियन नेशनलिज्म कहता है कि हमारा राष्ट्रवाद है, हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है, और हमारी यूनिटी का मतलब ये नहीं कि हम डाइवर्सिटी को खत्म करेंगे, नो, हम अपनी डाइवर्सिटी को सामने लाएंगे। मैं कभी नहीं पूछूंगा कि तुम तमिल हो या भारतीय हो, दैट्स ए क्वेश्चन आई विल नेवर आस्क। यूरोप में पूछा जाता था कि तुम जर्मन हो या कि तुम फ्रेंच बोलते हो, साफ साफ बताओ जर्मन हो कि फ्रेंच हो। हमने इंडिया में डिसाइड किया कि हमें सवाल कभी नहीं पूछेंगे तुम इंडियन हो या मराठी हो, तुम इंडियन हो या तमिल हो, भाई तुम तमिल हो तभी तो तुम इंडियन हो। और जैसे समझदार भारत में पूछा जाता है, हमारे कहते हैं तो बहू घर में आए उससे कभी नहीं पूछते कि तुम अपनी माँ बाप के प्रति वफादार हो या इस घर के प्रति वफादार हो, माँ बाप के प्रति माँ बाप से प्यार करती हो तभी तो तुम इस घर को प्यार करोगी। That is Indian approach. So I've taken a little long in this, but I wanted you to register this. ये जो हमें इंडियन नेशनलिज्म के नाम पे बताया जाता है ये इंडियन नेशनलिज्म नहीं है, ये नेशनलिज्म नहीं है और इसका इंडिया से कोई मतलब नहीं है। बेचारे जो जर्मनी की नकल करना चाहते हैं, पहले निक्कर वगैरह पहना करते थे आजकल पैंट पहनना शुरू कर दिया है, लेकिन ये जो जर्मनी की नकल करना चाहते हैं उन लोगों का
सॉरी अबाउट दिस नहीं, तर्क का तर्क से जवाब होना चाहिए, केवल मजाक से नहीं। ये बिल्कुल यूरोप की नकल करने की कोशिश है, हमें इससे बचना है। तो सेकंड हमारा प्रिंसिपल है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हमारा राष्ट्र जो है डाइवर्सिटी को समाप्त करके नहीं बनेगा, हमारा राष्ट्र डाइवर्सिटी का सम्मान करके बनेगा। डाइवर्सिटी को हम रखेंगे और इसका परिणाम देखेंगे। जब 1950 में भारत का संविधान बनता है, भारत शुरू होता है, 47 में भारत बनता है, पार्टीशन के बाद बनता है, किसी समझदार पॉलिटिकल साइंटिस्ट से आप पूछ लीजिए, उसका देख लीजिए 50s में लिखा होगा, वो सब कह रहे हैं कि इंडिया का एक्सपेरिमेंट 5-10 साल में खत्म हो जाएगा। इतनी लैंग्वेजेस, इनकी सैकड़ों लैंग्वेजेस हैं, इतनी कास्ट हैं, इतने रिलीजन हैं, ये देखना है एक दूसरे से लड़ भिड़ के 10-15 साल में सब खत्म हो जाएगा। They are confident predictions. There are books on that. India, the most dangerous decade, and so on. There are books being written in the 60s to say India is about to collapse. About the Soviet Union, जिसमें India से कम diversity थी, collapsed. Yugoslavia, जो कुल मिलाके हमारे northeast से छोटा है, और northeast में जितनी diversity है उससे कम diversity Yugoslavia में। Europe वाले कहते थे, हाय इतनी diversity एक देश के अंदर कैसे चलेगा? And of course it collapsed. Yugoslavia collapsed. उसके 6 टुकड़े हो गए, शायद अब तक 6 टुकड़े हो चुके हैं युगोस्लाविया। और ये भारत है जो युगोस्लाविया जैसी और पूरी सोवियत यूनियन की डाइवर्सिटी प्लस पूरी युगोस्लाविया की डाइवर्सिटी प्लस यूरोप की डाइवर्सिटी प्लस नॉर्थ अमेरिका की डाइवर्सिटी, उसके बाद वो भारत का है, चल रहा है। No one in 1950s would have predicted that India would remain a united nation state, a single nation. India is a nation. Because we admitted diversity from the front door. We said, what's wrong? Diversity is a good thing. Tamil, you understand that Tamil is a language superior to and older than English, than Hindi? Lovely, great. Aye, swagat hai aapka. इससे भारत डाइवर्सिटी को रेस्पेक्ट करने से भारत की यूनिटी बनी है। जहां जहां डाइवर्सिटी को हमने यूरोपियन स्टाइल में खत्म करने की कोशिश की है, वहां वहां प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। दैट्स डाइवर्सिटी। आई जस्ट क्विकली फिनिश द थर्ड वन, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में आप कह सकते हैं कि ए व्हाट इज इंडियन, सेकेंड व्हाट हैव वी अचीव्ड, एंड द फैक्ट इज दैट वी हैव नॉट अचीव्ड वेरी मच। सच बात ये है कि डेवलपमेंट के प्रश्न पे डाइवर्सिटी तो मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया को हमारे पास लेसन सिखाने को है, लेकिन डेवलपमेंट के बारे में हमारे को क्या लेसन है ये तो मुश्किल है, क्योंकि हमने इसके बारे में आज भी देश में इतनी गरीबी है, आज भी सब कुछ है। और इन एनी केस यूरोप की डेवलपमेंट की हम नकल कर रहे हैं, वॉट इज सो स्पेशल अबाउट इट, इट यू नो वॉट इज इंडियन अबाउट दिस। The idea of development is not Indian, but there are two things Indian about it. Two ideas which originated in India, which have global relevance to thinking about development. पहला जो गांधी जी ने कहा था कि विकास खुशहाली को अंतिम व्यक्ति के नजरिए से देखा जाए, जो गांधी जी का फेमस कोट है कि अगर कभी भी दुविधा में हो तो याद करो सबसे गरीब व्यक्ति को, सबसे असहाय व्यक्ति को जिसको आपने देखा हो जिंदगी में, और अपने आप से पूछो कि क्या उसको फायदा होगा। सो व्हाट्स द प्रिंसिपल? द प्रिंसिपल इज लास्ट पर्सन फर्स्ट। विकास ऐसा हो जिसमें अंतिम व्यक्ति सबसे आगे हो, ये बात कहने वाली, ये बात भारत में शुरू होती है। और दूसरी और उससे बड़ी बात जो भारत में शुरू होती है वो ये कि विकास की जो यूरोपियन अवधारणा है उसकी दुनिया में नकल करने की कोई जरूरत नहीं। मॉडर्न डेवलपमेंट जो है वो पूरी दुनिया के लिए रेलेवेंट नहीं है। यूरोप में जिस किस्म की मॉडर्न डेवलपमेंट आई है वो बाकी दुनिया, एक तो यूरोप के लिए खुद बड़ी खतरनाक है और बाकी दुनिया के लिए रेलेवेंट नहीं है। हमें डेवलपमेंट के दूसरे मॉडल्स और दूसरे पैराडाइम्स ढूंढने होंगे। इसके ऊपर आपके शिविर में कई बार बात हुई होगी, ये बिल्डिंग, ये संस्था इसका प्रमाण है।
इसलिए मैं इसको बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। और ये भी कि भारत ने इसके अंदर बहुत विशेष हासिल नहीं किया है, हमने ये बात कही है, लेकिन इसको वास्तव में हासिल करने में हम सफल नहीं हुए, बहुत बुरी तरह से असफल रहे। लेकिन ये विचार हमने दिया है, ये विचार कि मॉडर्न डेवलपमेंट के अलग अलग पैराडाइम हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, ये भारत में शुरू हुआ है ये विचार। इट्स ए वेरी बोल्ड एंड रेडिकल थॉट। इसके बारे में एक आखिरी बात कहूंगा और खत्म कर दूंगा इस बात को, वो ये मॉडर्निटी क्या है। हम सब मॉडर्न होना चाहते हैं, अच्छी बात शायद, बट मॉडर्निटी है क्या? क्या यूरोप में जो कुछ हुआ उसकी नकल करना मॉडर्निटी? अगर वो मॉडर्निटी है तो फिर यूरोप मॉडर्न कैसे हुआ? यूरोप जब मॉडर्न हो रहा था तो वो किसकी नकल कर रहे थे? किसी की नहीं। वो मॉडर्न कैसे हुए? यूरोप ने किसी एक स्टेज पे सोचा, देखा और कहा कि आज हमारे पास जो समस्याएं हैं उसका पूरे इतिहास में कोई पैरेलल नहीं है, हमें अपने लिए नए सॉल्यूशंस बनाने होंगे जो दुनिया में कभी नहीं बने, हमें कुछ ऐसे विचार स्थापित करने होंगे जो कि हमें पास से कभी नहीं मिले। वो हिम्मत से बजाय वो वापस पलट सकते थे, कह सकते थे कि वापस पास्ट में जाएं, सिक्योर है वहां रहें, हमें इस अनसर्टेनिटी से डील नहीं करना। लेकिन यूरोप ने ये नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम इन अनसर्टेनिटी से डील करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ऐसी नई चीजें निकालेंगे जो दुनिया में किसी ने नहीं निकाली। उस बात को आजकल हम मॉडर्निटी कहते हैं। यानी कि अगर आपको मॉडर्न होना है तो किसी को इधर उधर देखना, वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसा कर लूं, दैट वुड नेवर मेक यू मॉडर्न। मॉडर्निटी इज अबाउट थिंकिंग वेयर यू आर एंड कमिंग अप विद रेडिकली न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम हियर एंड नाउ। ट्राइंग टू इमिटेट समवन एल्स कैन मेक यू एनीथिंग बट नॉट मॉडर्न। इसलिए व्हाट वी नीड इज देसी मॉडर्निटी। मॉडर्निटी इज ऑल दिस देसी, देसी नहीं है तो मॉडर्निटी नहीं है। और हिंदुस्तान में गांधी जी को आप मॉडर्न नहीं कहेंगे, गांधी जी भी अपने आप को मॉडर्न नहीं कहते थे, बट डू रिमेम्बर गांधी जी घड़ी रखते थे। और कोई व्यक्ति लेट हो जाता है, जैसे मैं अपने लेक्चर को लंबा कर रहा हूं, तो गांधी जी बाय नाउ वुड हैव शोन द वॉच। गांधी जी लोगों को कहते थे आपके 3 मिनट पूरे हो गए, आप चले जाइए। दैट्स वेरी वेरी मॉडर्न, बहुत कम लोग किसी ट्रेडिशन उसमें नहीं है। गांधी जी अपने आप को मॉडर्न नहीं कहते थे, लेकिन इन लोगों ने एक नई किस्म की मॉडर्निटी को इनॉगरेट किया। आज भारत के सोचने वाले लोगों का सबसे बड़ी मानसिक गुलामी है, इट्स मेंटल स्लेवरी, दैट we are condemned to repeat the history of Europe. Hindustan ka economist bhi yehi sochta hai, Hindustan ka planner bhi yehi sochta hai, Hindustan ka intellectual bhi yehi sochta hai ki desh mein 50% kisan hai, 5% karne hai, hum 50 ko ghata ke 5 karna hai, kyon karna hai bhai? Are Europe mein yehi hua tha, jab Europe modern hua to 50% wahan bhi the, wahan 5% ho gaya, hamare bhi 5% honge। अरे भाई वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उनके पास दूसरी चीजें थी, आप कहां भेजेंगे इन लोगों को, हमारे शहरों में जगह नहीं है। नहीं नहीं, यूरोप में हुआ था इसलिए हम कर रहा है। दिस इज द बिगेस्ट मेंटल प्रिजन, दिस इज नॉट मॉडर्न, दिस इज वेरी कंजर्वेटिव थॉट। मॉडर्निटी इज अबाउट थिंकिंग ऑफ फ्रेश, इज अबाउट थिंकिंग ऑफ न्यू पाथ्स एंड न्यू पाथवेज। तो जो तीसरा विचार हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे बनावट में, बनावट में, वो है डेवलपमेंट का ऐसा एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल। पूरी दुनिया में मॉडर्निटी की अल्टरनेटिव ट्रेजेक्टरीज रही, हम एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बनाएंगे, ये विचार कहीं ना कहीं मिलते हैं, हालांकि हमने उसको रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब मैं अपनी बात समेट देता हूं, एटलीस्ट ये बात का हिस्सा। मेरी चिंता क्या है? मेरी चिंता ये है कि भारत का ये जो स्वधर्म है, जिस स्वधर्म के प्रति हम पिछले 70 साल से सच्चे नहीं रहे। स्वधर्म का मतलब ये नहीं है कि हर हिंदुस्तानी उठ के रोज सुबह काम करता है, हम अपने स्वधर्म के प्रति बेईमान हो गए।
हम सब होते हैं, हमारा स्वधर्म क्या कहता है अपने पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने साथियों के प्रति, और माँ वास्तव में क्या करते हैं, अंतर होता है स्वधर्म में और हमारे व्यवहार। पिछले 70 साल से हमारा देश अपने स्वधर्म के प्रति कायदे से सच्चा नहीं रहा, देश को हम अलाइन नहीं कर पाए, लेकिन पिछले कुछ समय से हम उस स्वधर्म को उखाड़ने पर तुले हैं। मेरी चिंता ये है कि ये डेमोक्रेसी जो हमारी एक अनूठी उपलब्धि, उस डेमोक्रेसी की जड़ हम उखाड़ने पे तुले हुए। ये डाइवर्सिटी जो भारत की पूरी दुनिया को दे, और मैं बार बार कहता हूं, मैंने एक्चुअली इस पे किताब भी लिखी है कि ये 21वीं सदी में पूरी दुनिया को इंडियन मॉडल को अपनाना पड़ेगा डाइवर्सिटी का। जो है ये यूरोप का जो मॉडल है पुराना हो चुका है, फेल हो चुका है नेशन स्टेट का मॉडल, अब हमें डाइवर्स स्टेट का मॉडल अपनाना पड़ेगा। लेकिन हम इंडिया के अंदर इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो मॉडल हम पूरी दुनिया को सिखा रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि नहीं 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 ये तो प्रॉब्लम है, डाइवर्सिटी है, खत्म करो, हिंदी हिंदू, अब हिंदी नहीं हिंदू आ रहा है मामला। जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर रखा था, करने की दिशा में बढ़ रहे थे, अब उस प्रॉब्लम को हम इन्वेंट कर रहे हैं, और जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं के शीर्ष पे बैठे हैं वो लोग हमारी डाइवर्सिटी को उखाड़ने पर डर। अब 70 साल के बाद हमें बताया जा रहा है नहीं, एक इस पे स्ट्रीमलाइन कर लो, इसको ठीक करो डाइवर्सिटी, वही यूरोप का फेल्ड सॉल्यूशन अब हम इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और डेवलपमेंट के नाम पे तो जैसे मैंने कहा पिछले 70 साल से हमने बेईमानी की है, बहुत बुरा हमारा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन पिछले 5, 10, 20 साल में मैं देख रहा हूं कि बहुत खुल्लम खुल्ला, पहले क्या था कि हम अंतिम व्यक्ति का विकास तो नहीं करते थे लेकिन हम इसका नाटक करते थे, इसके बारे में बातें कहते थे। अब पहली बार बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम ऐसे विकास की बात कर रहे हैं जो केवल और केवल चंद लोगों के लिए है, और उससे बाकियों का भला हो ही जाएगा, वो ठीक है, ये सब कर रहे हैं। सो मेरी चिंता ये है कि हम भारत के स्वधर्म के ठीक उल्टी दिशा में जाते हैं, और मैं आज आपके पास आया इसका एक प्रस्ताव देके कि हम क्या कर सकते हैं इस स्वधर्म को बचाने के लिए, इस स्वधर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वो ब्रेक के बाद। भारत का स्वधर्म है और आज उस स्वधर्म पे हमला हो रहा है, उसे बचाना है। उस स्वधर्म को हम कैसे बचाएं? राजनीति एक युग धर्म है, उसके बारे में कुछ कहते हैं। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए, हमारा तो मन नहीं करता, कैसे करें? आपको शक्ति चाहिए, राजनीति शक्ति योग है, उसको किसी एक बड़े पर्पस से लिंक करें, और वो पर्पस जो है वो नैतिक राजनीति